कोरोना के अंदर फौज ने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये पाकिस्तान आर्मी थी जिसने सूबों को भी साथ लिया। 18वीं तरमीम की वजह से हमें डाटा के, हमें कोऑर्डिनेशन के, हमें बातचीत के बड़े मसाइल थे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे जो सिविलियन भाई हैं वो उसके लिए ट्रेंड नहीं होते। सिंध के साथ हमारा कोई सियासी तनाव नहीं है। सिंध के चीफ मिनिस्टर और सिंध के चीफ सेक्रेटरी मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 12 हमें जो है वो सुनने में मिला है कि वो कहते हैं कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो जो है उनके वज़रा जो है वो 12 आके कहते हैं, तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें कि सिंध के साथ क्या इशू है, क्या यहाँ से? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पोलिटिकल इशू है, पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ दैट आई नीड टू पुट द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड एंड फैक्ट्स आर दैट से वन ऑफ द डोनेशन कोई 57,000 रिएक्शंस की डोनेशंस आई। वो डोनेशंस जो हैं सिंध प्रोविंस क्लेम्ड के उनके लिए आई हैं। नेचुरली डोनेशंस को हम वी काउंट फॉर इन द फेडरल एंड डिवाइडेड टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स। तो दे वर टोल्ड कि आप इसका लॉयंस शेयर यू कीप इट अराउंड 20,000 और रिमेनिंग आप बलूचिस्तान को इतनी भेज दें, लाहौर में इतनी भेज दें, केपी में इतनी भेज दें। वो भेज दी गई। बदकिस्मती से कुछ दिनों के बाद ये कहा गया कि वो किटें ख़राब हैं। तो मैं, लेट मी पुट दी रिकॉर्ड स्ट्रेट, वो किटें हमने वहाँ से उठवा ली, उनको दूसरी किट्स दे दी गई और उनको ये बता दिया गया कि ये हम खुद यूज़ कर लेंगे। और NIH जो इस्लामाबाद में हमारी लेबॉर्टरी है उसने यूज़ किया और वो सारी की सारी किटें जो हैं वो यूज़ हो गई। सिमिलरली मैं एक और वाक्य आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक हॉस्पिटल ने सिंध से कहा कि ये हमारे पास 50,000 किटें आपने दी थी, ये ठीक काम नहीं कर रही हैं, तो ये आप वापस ले लें और हमें इनकी जगह पे नई किट दें। तो जब मंगवाई गई तो पता चला कि एक्चुअली टेस्टिंग किट्स जो हैं उनका -20°C टेम्परेचर होना चाहिए। बदकिस्मती से जब हम उनको देते हैं तो उसके अंदर हम ड्राई आइस जो है डाल के देते हैं, तो वहाँ पे किसी ने ये भी परवाह नहीं की कि अभी इनको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे टेम्परेचर इनका ठीक हो। तो जब वो लेके आए वी वर सरप्राइज्ड कि इवन जो ड्राई आइस हमने दी हुई थी वो भी लिक्विड बन चुकी थी और बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन वो किटें जो हैं वो सारी ख़राब हो गई। वेंटिलेटर्स की पिछले दिनों बात हुई थी तो वेंटिलेटर्स का भी बता दिया गया। अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये जो हम रीवैम्पिंग कर रहे हैं, सिंध इज़ अ प्रोविंस जहां पे हमने काम शुरू किया था तो 7 रेनोवेशन। आज दिन को आप NCOC की मीटिंग में थे, यू वुड हैव रियलाइज कि हम क्या बात कर रहे हैं। वहां पे हमारा काम हो रहा है। वी वॉन्ट टू डू 500 ऑक्सीजनेटेड बेड ऑफ वेरियस टाइप। हम ऑलरेडी उधर 72 वेंटिलेटर और 100 बायपैप पहुँचा चुके हुए हैं। एज सुन एज दी बेड्स इन दी हॉस्पिटल्स आर रेडी टू रिसीव देम वी आर गोइंग टू पुट देम। और पहुँचाया इसलिए था कि देर इज़ अ लॉजिस्टिक इन्वॉल्वमेंट एंड वी नेवर वांटेड टू लूज टाइम ऑन दैट। फिर आपको रीज़न क्या लगता है, क्योंकि सुबह जब मैं जो है वो NCOC में था तो मैंने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान ने जो है वो तारीफ़ की आपकी, खैबर पख्तूनख्वा ने की, बट सिंध के साथ भी थोड़ा सा जो है वो आपका एक तनाव तो नहीं कहना चाहिए बट एक आर्गुमेंट की सिचुएशन थी, तो क्यों है? एग्री नहीं करता कि सिंध में के साथ हमारा तनाव है। सिंध के चीफ मिनिस्टर और सिंध के चीफ सेक्रेटरी मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं। वहाँ पे कैबिनेट के अंदर मेरे उनके काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो मेरे दोस्त हैं। सिंध के साथ हमारा कोई सियासी तनाव नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसी बात होती है जिसको प्रॉबली वहाँ पे बताना ज़रूरी होता है और वो बताते हुए कुछ चीज़ें जो हैं आप जो लोग हैं वो भी उसको एक डिफरेंट मोड में ले जाते हैं और जो बाकी देखने वाले हैं वो भी समझ रहे होते हैं कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ टसल गोइंग ऑन। आज भी जो NCOC में बातचीत हुई थी उसका एक ख़ास पर्सपेक्टिव था, मेरा एक ख़ास व्यू है and I am supposed to give my view because I am the one who is facing the brunt of everything. Unki taraf se hame demand aayi thi 3 lakh VTM or swabs ki. We told them that we will give you and we will give you 50,000 VTMs and swab because is waqt jo testing ho rahi hai Sindh mein
कैपेसिटी की बात नहीं मैं कर रहा, टेस्टिंग हो रही है वो वेरी करती है, फ्लक्चुएट करती है 5,000 से 10,000 रोज़ की। तो वी वॉन्टेड दैट दे शुड टेक दैट मच विच दे कैन कीप इट देयर, बिकॉज मुझे ये डर है कि बड़े लेवल पे तो अच्छी प्लानिंग हो रही होगी लेकिन नीचे अगर मैन पावर ठीक ट्रेंड नहीं है तो वो उसको ख़राब कर देगी। तो वील कीप गिविंग दैम, वी हैव अ वेयर हाउस, एंड माइंड यू सिंध इज़ अ ओनली प्रोविंस वेयर वी हैव अ वेरी बिग फंक्शनिंग वेयर हाउस। वी हैव पुट लॉट ऑफ थिंग्स देयर, सो इफ देयर इज़ अ प्रेशर वी कैन टेक इट ऑन देयर, एंड वी आर देयर विद दैम, वी विल सपोर्ट दैम एज अ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और NCOC की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं, वी विल गो एन एक्स्ट्रा माइल टू सपोर्ट देम। इसमें देयर इज़ नो पोलिटिकल बिकरिंग। मैं एक इदारे को हेड कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है, एंड आई कैन अश्योर यू विद द कॉन्फिडेंस दैट इसमें देयर इज़ नो पॉलिटिक्स एज फार एज फेडरल गवर्नमेंट। मुझे एक दिन भी ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि आप सिंध को ये चीज़ कम दो, बल्कि काफ़ी दफ़ा सिंध को आबादी और रकबे के लिहाज से ज़्यादा हिस्सा कोविड की चीज़ों में मिला, इफ़ आई कंपेयर इट विद पंजाब, एंड माई ड्यू अपॉलॉजी फ्राम चीफ मिनिस्टर पंजाब के वो फील करेंगे कि शायद कोई उस तरह का हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी कोरोना को मैनेज करने में तो हेल्प कर ही रही है, आपका इदारा भी है, बट कोरोना की फाइट में अगर हमें कोई स्टेप्स ले डाउन करने हों कि पाकिस्तान आर्मी ये काम कर रही है, वो अगर आप बता सकें क्या क्या है। देखिए मैं यूनिफॉर्म पहन के आपके पास बैठा हूँ, ऑल दो मैं एक सिविलियन इदारे का हेड हूँ, लेकिन मेरे इदारे में तकरीबन 40% मैन पावर जो है वो फौजी है। मैं आज ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि फौजी मैन पावर होने का फ़ायदा भी है, और वो इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे जो सिविलियन भाई हैं वो उसके लिए ट्रेंड नहीं होते, उसके लिए उस वक़्त जो एमरजेंसी बेस्ड वर्क हैं वो। जहाँ तक फ़ौज का तल्लक है तो इस वक्त कोरोना के अंदर फ़ौज ने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि 18वीं तरमीम की वजह से हमें डाटा के, हमें कोऑर्डिनेशन के, हमें बातचीत के बड़े मसाइल थे। ये पाकिस्तान आर्मी थी जिसने सूबों को भी साथ लिया, यहाँ पे भी एक सेंटर बनाया, वहाँ पे भी वो कर रहे हैं। शुरू में तकलीफ़ें भी बहुत हुई, हम इनको रिक्वेस्टिंग कर करके काम करते थे। दे वो दी वन एक्चुअली जिन्होंने पूरे सिस्टम को हार्नेस्ट किया, जेल किया, सिंक्रोनाइज किया इन टू वन टीम। अभी वो डाटा के जो प्रीनियल इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो गए हैं, जो कंपोनेंट जो आपने इंफॉर्मेशन लेनी होती है या भिजवानी होती है वो स्विफ्टली चली जाती है, ये पहला है। दूसरा ये है कि जितना जो सामान जा रहा है अस्पतालों के अंदर वो शुरू का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो बहुत अच्छा नहीं था। लाइक जो पहली ट्रांश हमने भेजी थी, एक तो उस वक्त अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वो जाते ही एकदम यू नो एवरीबॉडी ट्राई टू गेट इट, तो उस वजह से भी कमी हो गई। लेकिन मुझे आई हैव ए फीलिंग कि वो कोई बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पे ज़रूरत थी पहुँच नहीं सकी। तो फिर मेरी दरख्वास्त पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ मकामी कोरों को ये कहा था, और अभी वो लेके जाते हैं अस्पताल तक, पहुँचा के आते हैं अस्पताल तक, पहुँचा के आते हैं। ये हो गया आपके जो मसाइल हैं कोऑर्डिनेशन के, अस्पतालों के विदी PDMA, अस्पतालों के विद NDMA, जो सामान आपका जा रहा है। फॉर इंस्टेंस NDMA को इतना बड़ा इदारा नहीं है, इसमें सिर्फ 150 के करीब लोग हैं। तो अभी जो मेरे लिए फुट सोल्जर्स जो हैं वो फ़ौज के ही फुट सोल्जर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। मेरे लिए जो आइज़ एंड ईयर्स हैं, जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ काम, तो मेरे लिए वही लोग जो हैं ऑन ग्राउंड वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, मेरा उन पर हक भी था, लेकिन हक से ज़्यादा उन्होंने मेरा हक अदा किया कि मेरे जो जितने काम करने वाले थे ऑन ग्राउंड दे वो दी वन वो परफॉर्म डेट थी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोविंसेस के दरमियान आप करते हैं, उसका फार्मूला होता है या ये डिमांड बेस्ड होता नहीं है? ये इट्स अ फार्मूला। फार्मूला इस तरह है कि जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं उनके अंदर ये जाता है, हम सबको अस्पतालों को नहीं दे रहे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या वो हॉस्पिटल जिनके अंदर कोविड के पेशेंट नहीं हैं उनको नहीं हम दे रही है। प्राइमरली इट्स अ कोविड
स्पोर्टिंग मैकेनिज्म विच इज़ वर्किंग। हम तीन चार चीज़ें करते हैं, एक कि जो प्रोक्योरमेंट हो रही है वो आगे आने वाली ज़रूरतें हमारी क्या हैं उनकी निशानदेही होती है, दूसरा उनका नंबर क्या होना चाहिए, और तीसरा जो सामान मौजूद है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए। और हम हफ्ते में दो एक दफ़ा मिलते हैं, दैट इज़ दी वन विच इज़ ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट फॉर अस, हम उस पर डिसाइड करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 8.5 लाख किट होने के बाद व्हाट वी हैव डन इज़ के पिछले हफ्ते हमने एक टेंडर भी किया, शायद आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, वो टेंडर खुल गया हुआ है, अगले 2-3 दिनों में हम लोगों को ऑर्डर्स दे देंगे। वी विल गिव देम अबाउट 2 वीक्स टाइम। उसमें हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर अगर एवरेज हमारी 30,000 टेस्ट रोज़ की हो तो 9 लाख रिएक्शन हमें चाहिए। दैट मीन्स दैट वन वी हैव इन आर स्टोर आर सफिशेंट फॉर अनदर से 28 डेज। तो 28 डेज के ख़त्म होने से पहले तो, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि जो WHO वो कहता है कि 50,000 जो है आपकी जो है वो डेली कैपेसिटी होनी चाहिए, तो अगर हम 28 डेज़ का मार्जिन जो है वो रखें तो इस वक्त फिर इसका मतलब है कि हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है कि हम नहीं हमारे पास इक्विपमेंट। मैं आपको बताता हूँ ना, इस वक्त आपके पास 135 लेबॉरटरी के आसपास हैं, और 135 लेबॉरटरीज़ की 4 घंटे की जो शिफ्ट होती है उसमें आपकी 70,000 टेस्ट करने की कैपेसिटी है। मैं हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा, मैं तो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर वो है जो बंदा लेबॉरटरी के अंदर बैठा हुआ है, सुबह उसका मैनेजर जो है वो वहाँ का DCO है, वहाँ का whosoever is managing the health in the province वो है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। हार्डवेयर तो आपके पास मुकम्मल है, आप जितना हार्डवेयर चाहिए हम आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अप्रैल में जब ये फैसला हुआ कि हम लाख पे जाएंगे या 1.5 लाख पे जाएंगे, तो उस वक्त हमने अपनी 25 दिन की कैपेसिटी क्रिएट कर ली। अभी भी जो इस वक्त 25 दिन की कैपेसिटी है, दिस वुड बी सप्लीमेंटेड समवेयर अराउंड 15th of July, ये डबल हो जाएगी या 3 गुना हो जाएगी, फिर हम थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे।